Assalamualaikum students today we will be discussing hydrogen spectrum that is uh, on your book at page 133. So before discussing spectrum let's recall your previous lecture in which we have stated that uh, let's consider an atom and these are various shells. So by absorbing certain wavelength of energy electron that is present here, इसको हम इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लेते हैं तो ये वेरियस वेव लेंथ ऑफ एनर्जी एबजॉर्ब करके यहाँ से इसकी ट्रांजिशन हो सकती है ये जंप कर सकता है सेकेंड ऑर्बिट में या थर्ड में या फिर फोर्थ ऑर्बिट में ठीक है और जो इनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको हम कॉल कर लेंगे एच म्यू ठीक है तो ये इसकी एक्साइटेशन होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होगा थोड़ी देर बाद वो वापस एक्साइट हो जाएगा उसकी डी एक्साइटेशन होगी तो जितनी एनर्जी उसने एबज़ॉर्ब की अगर उतनी ही रिलीज़ करेगा तो हो सकता है वो प्रीवियस वाले शैल में वापस चला जाए लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं वो इसी शैल में वापस आए वो यहाँ पे भी वापस आ सकता है इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस आ सकता है तो ये वेरियस केसेज हो सकते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांज़िशन के तो इन्हीं ही की बेस पर डिफरेंट सीरीज़ बनाई गई हैं क्योंकि जो वेव लेंथ करेगा और जो वेव रिलीज़ करेगा ठीक है वो सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी इलेक्ट्रॉनिक शेल तो यही जो वेव लेंथ इमिट होती हैं ये वेरियस रीजनस में लाई करती हैं वो या तो विजिबल रीजन में वेवलेंथ हो सकती है अल्ट्रा वॉयलेट में हो सकती है या आईआर में हो सकती है और ये जो वेवलेंथ लेंथ इमिट होती हैं जो फोटोन इमिट होते हैं एनर्जी को इनको हम स्पेक्ट्रल लाइन्स का नाम देते हैं तो जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हमने बात की थी कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो आपको वेरियस कलर्ड लाइन्स देता है जिसमें से फो को हमने डिस्कस किया था वॉयलेट थी ठीक है और फिर इसमें ब्लू लाइन थी देन ग्रीन और लास्ट में हमने पढ़ा था रेड लाइन ये तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में डाला जाता है और उसको हीट किया जाता है तो वहाँ पर एक ग्लो प्रोड्यूस होता है जो ओरिजिनली देखने में ब्लू कलर का होता है लेकिन जब उसे स्पेक्ट्रोमीटर में देखा जाता है तो वो वेरियस कलर्ड लाइंस में स्प्लिट हो जाता है और वो ये फोर फोर कलर्ड लाइंस होती हैं अब स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्पेक्ट्रम को ऑब्ज़र्व करता है ठीक है नाम से पता चल रहा है स्पेक्ट्रोमीटर तो मीटर मीन्स टू तो रीड एनी थिंग एंड स्पेक्ट्रो मीन्स टू तो रीड स्पेक्ट्रम तो स्पेक्ट्रल लाइन्स को वो रीड करता है वो अकॉर्डिंग टू वेव लेंथ भी हो सकता है फ्रिक्वेंसी भी तो जो भी हमारी डिजायरेबल करेक्टर होगा तो उसको वो रीड करेगा और ये जो लाइन्स आपको नज़र आती हैं ये विजिबल रीजन में तो इनकी वेव लेंथ हो जाएगी फोर हंड्रेड से लेकर अप्रॉक्सीमेटली सेवन हंड्रेड या सेवन फिफ्टी नाइनोमीटर नाइनो मीन्स टेन रेज टू पा माइनस नाइन तो ये ट्रांजिशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके लिए आप ये डायग्राम कंसिडर कर लें कि अब देखें यहाँ आपको ट्रांजेक्शन शो की गई हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से फर्स्ट शेल में वापस आता है तो यहाँ पे जो लाइंस इमिट होती हैं उनको हम एक कलेक्टिवली एक सीरीज का नाम दे देते हैं जिसे हम कहते हैं लेमैन सीरीज और ये लाई करती है यूवी रीजन में अल्ट्रा वायल रीजन में सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से डी एक्साइट होके वापस आता है शेल टू में तो इसको हम कहेंगे बामर सीरीज़ और ये लाई करती हैं हमारे विजिबल रीजन में सिमिलरली अगर किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांज़िट होके वापस आता है थर्ड शेल में तो इसको हम पैसचन सीरीज़ का नाम देते हैं और ये आईआर रीजन में होती है बिल्कुल ऐसे ही जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांज़िट होके वापस आएगा फोर्थ शेल में तो उसको हम कहेंगे ब्रैकेट सीरीज़ और अगर फिफ्थ शेल में वापस आएगा तो उसको हम कहेंगे फंड सीरीज़ और ये दोनों भी लाइक करती हैं आई आर रीजन में तो कलेक्टिवली अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये वाली जो तीन आपको दी गई हैं ये लास्ट वाली थ्री तो ये लाई करती हैं आई आर रीजन में ये यू वी रीजन में और जस्ट जो तो विजिबल रीजन में लाइ करती है उसको हम कहते हैं बामर सीरीज़ ठीक है तो यही हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नॉर्मली हम इसी को कंसिडर करते हैं जो फोर हंड्रेड से सेवन फिफ्टी नाइनोमीटर होती है वो ये विजिबल रीजन होता है तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है ये कंसिडर कर लें, ये हमारा सेकेंड एनर्जी लेवल है ये ठीक है ये थर्ड हो गया फोर्थ है और ये फिफ्थ और इसी तरह ऊपर जो है ये सिक्स इनर्जी लेवल अब इलेक्ट्रॉन ने थर्ड से वापस आना है अगर सेकेंड में ये ठीक है इसी तरह फोर्थ से सेकंड में आ सकता है फिफ्थ से आ सकता है और सिक्स्थ से आ सकता है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं तो ये जो है यहाँ पे आप देख लें एनर्जी का गैप बहुत कम है ना थ्री और टू में एनर्जी का गैप कम है और इसी तरह सिक्स और टू में एनर्जी का गैप ज़्यादा तो अगर यहाँ एनर्जी का गैप कम है तो रिलेशनशिप आपको आ, याद होना चाहिए कि ई और वेव का इनवर्स रिलेशनशिप है तो अगर एनर्जी का गैप कम है तो इसका मतलब है वेव ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जो आपको कलर लाइन मिलेगी दैट विल बी ऑफ हायर वेव और वो है हमारे पास रेड सिमिलरली यहाँ भी एनर्जी का गैप ज़्यादा हो गया तो वेवलेंथ पहले से कम हो जानी चाहिए तो यहाँ आपको कलर मिलेगा ग्रीन ठीक है जो हाइड्रोजन के फोर कलर्स की हमने बात की है तो रेड ग्रीन एंड नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा ब्लू और ये कलर होगा वायल्ट तो ये बामर सीरीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जो वेरियस ट्रांजिशंस है ओके नेक्स्ट इसको हमने नाम दिया था डिफ़रेंट स्पेक्ट्रल अलाइंस को हमने नाम दिया था तो ये था हाइड्रोजन की एल्फा सीरीज़ है ये हाइड्रोजन की बीटा सीरीज़ है और ये गैमा है और इस लाइन को हम नाम दे देते हैं डेल्टा का नाम दे देते हैं तो ये बामर सीरीज हाइड्रोजन की यहाँ तक एक्सप्लेन हो जाती है अब बुक में जो आपको मेंशन किया गया है वो यहाँ पे आप देखें ट्रांजिशन का आपको रीज़न बताया गया है वही रीज़न जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा एक्साइट होगा वहाँ पे वो फिर डी एक्साइटेशन होगी क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा तो वापस जब अपने एनर्जी लेवल में वापस आएगा तो जो रेडिएशन रिलीज़ करेगा वो हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन्स देती हैं ठीक है चेके? तो ये चीज़ यहाँ तक हमने क्लियर कर ली बाकी इसमें यहाँ आप देख लें ये सीरीज़ के नाम दिए गए हैं आपको कि स्पेक्ट्रल सीरीज़ कौन सी होती हैं स्पेक्ट्रल लाइन्स ये डेफ़ीनेशन आपने याद कर लेनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या होती हैं और वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज़ के नाम बताएँ और कौन सी कौन कौन सी रीजन में लाई करती हैं तो ये फाइव रीजन्स के नेम और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए बाकी उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट वेव आपको शो की गई हैं तो ये लेमेन सीरीज़ की वेव अभी जो हमने डिस्कस किया दैट वॉज अ बामर सीरीज़ तो ये देख लें आप हाइड्रोजन अल्फ़ा बीटा गैमा और डेल्टा यहाँ पर आपको क्लियरली डिस्कस किया गया है बाकी पैसचन है ब्रैकेट है और फंड सीरीज है तो वेव लेंथ वेवलेंथ वेव लेंथ आपको वेरियस रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं अब नेक्स्ट जो हमने करना है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर तो फर्स्ट ऑफ तो ऑल हम कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल से दूसरे शेल में एक्साइट हो के जाता है और वहाँ से डी एक्साइट होकर वापस आता है तो उसके जाहरी बात है दोनों ऑर्बिटल्स की दोनों शेल्स की एनर्जी डिफरेंट होगी तो उसके लिए एनर्जी डायग्राम है हमारे पास एनर्जी की सॉरी uh, इक्वेशन है हमारे पास तो ये इक्वेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव uh, की थी वही यहाँ पर हमने मैंशन कर लिया अब क्योंकि ऑर्बिटल्स दोनों शेल्स दोनों डिफरेंट हैं तो इसलिए फर्स्ट वाले को हम कंसिडर कर लेते हैं ई वन ठीक है और इसको यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे ई टू ये, इस तरीके से Z कॉन्स्टेंट है एम कॉन्स्टेंट ई एड एपसाइलॉन नॉट एंड एच डीज आर ऑल कॉन्स्टेंट सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है N की तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं N1 और इसको हम कह देते हैं N2। अब क्योंकि हम दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेल्टा E इज़ इक्वल टू ई टू माइनस ई वन तो इसीलिए हम ये वाली इक्वेशन ये टू तो वाली इक्वेशन आ गई ठीक है फिर ये माइनस का सिंबल और ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन आ गई फॉर दी फर्स्ट ऑर्बिट क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ गया तो दो माइनस एक साथ है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में इनक्लोज़ कर दिया अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस ये आपको पॉजिटिव का साइन दे देंगे तो इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस ठीक है ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास अब इक, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं पॉजिटिव वाली वैल्यू हमने पहले लिख ली और नेगेटिव वाली हमने बाद लिख ली मतलब एन वन वाली जो टर्म्स हैं वो पहले आ गई और एन टू वाली बाद में आ गई अब अगर इस इक्वेशन को हम और से देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कॉमन है सो so, उन कॉमनस को हम बाहर ले लेते हैं ठीक है ये सारे हमारे कॉमन हो गए बाकी जो इसमें बच गया दैट इज़ जस्ट एन वन

ये इक्वेशन है ठीक है ये डेल्टा ई e की इक्वल है तो ये पूरी इक्वेशन भी डेल्टा ई e की इक्वल थी तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेजन आपस में इक्वल है इनको हम जैसे इक्वेट करते हैं तो ये चीज़ आ गई हमारे पास ठीक है ये चीज़ आ गई हमारे पास बाकी इसके बाद यहाँ से हमें सिर्फ फ्रिक्वेंसी चाहिए ये फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है एच नहीं चाहिए तो एच यहाँ पर हम ले आएंगे इधर तो जैसे ही इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये नुमेरिकल वैल्यू आएगी हमारे पास ये और एक और चीज़ यहाँ पे आप देख लें क्योंकि ये जाउल में था और हमने क्या किया जाउल को हमने डिवाइड कर दिया एच म्यू से एच से और एच का यूनिट होता है जाउल सेकेंड तो जाउल जाउल कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर जो आ जाएगा आपके पास वो पर सेकेंड है और फ्रिक्वेंसी क्योंकि होती है नंबर ऑफ अलाइंस पासिंग पर सेकेंड तो इसका यूनिट भी हमेशा पर सेकेंड आएगा या हम जो एक और यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ ठीक है तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के बाद नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज वेव नंबर सो वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स पर लेंथ और पर लेंथ यूज़ली हम ले लेते ले हैं पर मीटर या हम इसको ले लेते हैं पर सेंटीमीटर ठीक है और फोटोन आपको पता है जो भी हमने ट्रांजिशन पढ़ी थी स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ी थी तो दिस विल बी इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन क्योंकि विजिबल रीजन को हम डिस्कस कर रहे हैं बामर सीरीज नॉर्मली हम इसमें आगे जाके डिस्कस करेंगे वो विजिबल रीजन में लाई करती है बाकी इसमें आ, वेव नंबर को डिस्कस करने से पहले आपको ये रिलेशनशिप यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि फ्रीकवेंसी इज़ तो इक्वल टू सी इंटू वेव नंबर सो सी स्टैंड्स एयर फॉर दी स्पीड ऑफ लाइट और इसकी वैल्यू यहाँ मैंने मैंशन कर दी थ्री इंटू टेन इज छुपा एट मीटर पर सेकेंड सो अगर ये फ्रिक्वेंसी की इक्वल है तो पीछे जो हमने इक्वेशन टू टैग की थी वो भी फ्रिक्वेंसी की इक्वल थी इसका मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं यहाँ से हमें जस्ट वेव नंबर चाहिए तो सी यहाँ से यहाँ आ जाएगा ठीक है तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर मैंशन कर दी यूनिट्स के साथ लिख दिया ताकि क्लियर हो जाए यूनिट इसका है मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड आप में कैंसिल हो जाएंगे सो जस्ट मीटर रह जाएगा जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो दैट विल बी मीटर इनवर्स और इस वैल्यू को सॉल्व करें दैट विल गिव यू वन पॉइंट जीरो नाइन सिक्स सेवन एट इन टू टेन रेज टू पावर सेवन ये पूरा एक है इसको हम नाम देते हैं रेड बर्ग कॉन्स्टेंट इसके लिए इसको हमने रिप्लेस कर लिया आर से ठीक है तो अब किसी भी शेल की ट्रांजिशन अगर आपने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की किसी शेल से भी लेमैन बामर पैसचन ब्रैकेट या फंड सीरीज़ में तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट इट्स वेव नंबर ठीक है तो आप इसका वेव नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एन टू स्टैंड्स हेयर फॉर द हायर ऑर्बिट एंड अन एन वन शोज़ दी लोअर ऑर्बिट इसी को डिस्कस करते हुए आपकी बुक में यहाँ आपको डिफरेंट जो है वो कैलकुलेट करके दिए गए हैं वेव नंबर फर्स्ट एलिमेंट सीरीज़ है तो अगर आपको ट्रांजिशन बता दी जाए कि कौन से शेल से आ रहा है इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से आ रहा है और अगर लोअर ऑर्बिट ना भी डिस्कस किया जाए तो ले मैन जब हम नाम ले लेते हैं ले मैन सीरीज़ तो इट इज़ अंडरस्टूड कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ही वापस आ रहा है तो अगर ये चीज़ ये डेटा नहीं भी दिया गया आपको जस्ट ये दिया गया है और ले मैन कहा गया तो है, है, है तो अंडरस्टूड है कि एन वन जो है वो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है तो सेकेंड शेल से अगर आता है तो उसके वेव नंबर इस तरीके से आ जाएगा आपके पास ठीक है सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी यहाँ पर इसी तरह जो है वो आ, थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट का भी डिस्कस किया गया अब ऐसे ही अगर हम बामर सीरीज की बात करते हैं तो बामर भी अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी शेल से वापस आ रहा होता है सेकेंड शेल में विजिबल रीजन जो हम डिस्कस करते हैं तो इसकी भी आप ट्रांजिशन के वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं थर्ड से सेकंड में आया फोर्थ से सेकेंड में आया या फिफ्थ से सेकेंड में आया अब ऐसे ही अगर आप कंसिडर करते हैं कि फोर्थ से थर्ड में आया है तो दैट विल बी ब्रैकेट सीरीज़ पेश्चन सीरीज़ वो आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे नहीं दिया गया वो आप होम टास्क के तौर पर उसको सॉल्व कर सकते हैं फिर ऐसे ही अगर फोर्थ को आप कंसिडर करते हैं कि फाइनल जो शैल है वो फोर्थ होना चाहिए तो दैट विल बी ब्रैकेट सीरीज़ ठीक है और और इसी तरह अगर दूसरा नेक्स्ट शैल आप कंसिडर करते हैं तो दैट विल बी फंड सीरीज़ और ये लास्ट तीनों जो रीजन हैं ये लाइक करते हैं आई में ठीक है इनफ्राइड रीजन्स में So this is all for today.